सोलह फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ आपसे सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो निकल कर आती है वीवो की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर वीवो V23e ये जो स्मार्टफोन है, आज यहाँ पर ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो टोटली कन्फर्म हो जाता है। इसके साथ आपको बता दूँ कि ये जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो भी अपने काफी सारे स्मार्टफोन को प्लान कर रहा है, देखते हैं जो वीवो है वो कितना अच्छा काम कर पाता है। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है आईकू की तरफ से। और दोस्तों, आईकू Z5X ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर फिर से 3C सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है कंफर्म हो जाता है। और यहां पर फिर से ये कंफर्म हो गया कि इस स्मार्टफोन में आपको 44 वाट का जो चार्जर है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो आईकू Z5 सीरीज तो कल लॉन्च कर दी गई है, आईकू Z5X स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, देखते हैं कि आखिर इसकी जो प्राइस वो क्या निकल करके आती है। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, तो अगली जो न्यूज है वो भी निकल करके आती है आईकू की ही तरफ से। और यहां पर आईकू अपना एक नया स्मार्टफोन, अपनी नई सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका दोस्तों नाम है आईकू नियो। आईकू नियो सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो अगले महीने नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं आखिर ये जो स्मार्टफोन है वो कितना अच्छा निकल करके आ पाता है। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो निकल कर आती है रेडमी और पोको की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पोको C3 स्मार्टफोन जब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है कोई और स्मार्टफोन नहीं बल्कि रेडमी 9 एक्टिव स्मार्टफोन, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर लॉन्च किया गया था, उसी स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक स्मार्टफोन जब ऑलरेडी लॉन्च हो गया है तो उसी स्मार्टफोन को सेम उसी कंट्री में दोबारा नाम बदल करके लॉन्च करने का क्या मतलब है। बस सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग में हल्का सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी जो स्मार्टफोन है पोको C3 वो रेडमी 9 एक्टिव स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन है। तो मतलब कम से कम पोको को अब तो यार अपने हिसाब से अपना नया स्मार्टफोन अपने स्पेशल फीचर्स वगैरह के साथ में बना करके लॉन्च करना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, कब तक ये जो रिब्रांडिंग वाला खेल है वो चलता है पोको का। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है रेडमी की तरफ से। और रेडमी ने आज उनका एक नया स्मार्टफोन फिर से लॉन्च कर दिया है फ्लिपकार्ट पे, और इस स्मार्टफोन का नाम है रेडमी 9i। और मुझे लगा 10 सीरीज इस साल नहीं आएगी, वो अगले साल आएगी। रेडमी 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो अगले साल आएंगे, क्योंकि इस साल ये लोग 9 सीरीज को ही लॉन्च कर रहे हैं। तो रेडमी 9i ये जो स्मार्टफोन है, रेडमी 9i स्पोर्ट ये लॉन्च कर दिया गया इंडिया में। हीलियो G25 का प्रोसेसर है, IPS डिस्प्ले पैनल है, 13 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है, 10W का चार्जर है, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट है। प्राइस जो है वो 8,799 रुपये निकल करके आई है। 4GB रैम 128GB वेरियंट के लिए जो प्राइस है वो कुछ यहाँ पर 9,299 रुपये निकल करके आई है। तो ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, ऑलरेडी इनके काफ़ी सारे स्मार्टफोन इन फीचर के साथ में अवेलेबल हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पर हैं। तो कम से कम इनको रेडमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन को इंडिया में लाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है वो निकल जाती है वीवो V23e स्मार्टफोन को लेकर के। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है और भी ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है। बात करूं आपसे अगली न्यूज़ के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो निकल जाती है शाओमी के एक नए लॉन्च स्मार्टफोन के बारे में, जो कि कल यहां पर चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi CV, और इस स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं वो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। डिजाइनिंग काफी प्रीमियम है, 6.55 इंचेस की कर्व OLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले दी गई है। Qualcomm Snapdragon 778 5G प्रोसेसर दिया गया है, 5G स्मार्टफोन है, 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा, 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, 4500mAh की बैटरी है, और यहां पर 55W का चार्जर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसकी जो प्राइस है वो चाइना में कुछ यहां पर 33,000 रुपये निकल के आई है, अगर हम उस प्राइस को इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर क्या ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में Redmi Note 11 सीरीज में आने वाला है, क्योंकि फीचर्स काफी अच्छे हैं, और इन फीचर्स के साथ में ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में ऑब्वियसली यहां पर 20,000 रुपये से नीचे की प्राइस पे आ सकता है, अगर कंपनी लाना चाहे तो। तो पॉसिबल है कि ये जो स्मार्टफोन है Redmi Note 11 सीरीज वगैरह के नाम से आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में। ये कंफर्म नहीं है, लीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो निकल के आती है Realme की तरफ से। और यहां पर अगर आप Realme के किसी नए स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते होंगे इस सेल में, जो कि Realme फेस्टिव डे सेल चल रही है Realme.com पे, तो यहां पर आपको Realme GT सीरीज पे 5,000 रुपये का जो डायरेक्टली डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो
अगर आप Realme GT सीरीज के स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो सेल जो है वो 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक है realme.com और यहाँ पर Flipkart दोनों पे आप जाकर के यहाँ पर स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल जाती है iQOO Z5 स्मार्टफोन को लेकर के। iQOO Z5 सीरीज के स्मार्टफोन का लॉन्च कर दिया गया है। इनमें आपको Qualcomm Snapdragon 778 का 5G प्रोसेसर दिया गया है और आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ में IPS डिस्प्ले पैनल दिया गया है। प्राइस जो है वो निकल रही है 23,990 रुपए इस स्मार्टफोन के 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो मैं आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट आपको यहां पर डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है Amazon की सेल में। अब क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैंड का सपोर्ट दिया गया है। 5G बैंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही सपोर्ट करते हैं इस स्मार्टफोन में। तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा, कितने 5G बैंड आने वाले हैं और कितने 5G बैंड को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा। पता नहीं हम ले लिए और इनमें 5G सपोर्ट ही ना करें इंडिया में तो उसका क्या मतलब है। कम से कम 5G बैंड यार एटलीस्ट मैक्सिमम यहाँ पर 5G बैंड का सपोर्ट इन लोगों को प्रोवाइड करना ही चाहिए था इस स्मार्टफोन में। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो निकल जाती है रियलमी की तरफ से और यहाँ पर आज डिजिटल चैट सेशन की तरफ से रियलमी के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर कन्फर्म कर दिए गए हैं। डिजिटल चैट सेशन का कहना है कि रियलमी बहुत जल्दी अपने Qualcomm Snapdragon 778 5G प्रोसेसर के साथ में 144 हर्ट्ज की IPS LCD डिस्प्ले पैनल के साथ में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है वो नेक्स्ट मंथ अगले महीने यहां पर लॉन्च किया जाएगा चाइना वगैरह में। तो पॉसिबल है कि ये Realme Q सीरीज के स्मार्टफोन है और यहां पर यही जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में आपको Realme 9 सीरीज के नाम से देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि यही कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन में भी पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल सकते हैं। यहां पर LCD डिस्प्ले पैनल किया गया है, इसका मतलब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम ही आपको देखने को मिलने वाली है। देखते हैं आखिर किस प्राइस पॉइंट पर ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होता है। दोस्तों यहां पर अगली जो न्यूज है वो निकल जाती है माइक्रोमैक्स की तरफ से और माइक्रोमैक्स के कुछ 3 नए 5G स्मार्टफोन कल यहां पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए थे जिनका लॉन्च कंफर्म हो गया था, मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था। और यहां पर दोस्तों अब सुनने में ये आ रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर माइक्रोमैक्स की X सीरीज के स्मार्टफोन है। तो क्या यहां पर माइक्रोमैक्स की X सीरीज 5G सीरीज होने वाली है जिनमें आपको 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। यार देख करके तो ऐसा ही लगता है कि माइक्रोमैक्स की जो X सीरीज होगी उनमें आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जो कि ऑनलाइन स्पॉट हो रहे हैं। तो देखते हैं माइक्रोमैक्स जो है वो कितना अच्छा यहाँ पर काम कर पाता है। वैसे अभी तो ये लोग चुपचाप हैं, कुछ लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम इन लोगों को हर एक महीने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल जाती है Realme 8S 5G स्मार्टफोन को लेकर के। इस स्मार्टफोन का अगर आप लेना चाहते होंगे तो इस स्मार्टफोन पे प्राइस कट मिल रहा है Flipkart बिग बिलियन डे सेल में। 16,999 रुपए की प्राइस पे स्मार्टफोन डायरेक्टली अवेलेबल है, आपको प्राइस कट यहाँ पर डायरेक्टली देखने के लिए मिल रहा है और इस प्राइस में एक्सचेंज और यहाँ पर प्रीपेड पे भी ऑफ इंक्लूड है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप कार्ड का भी यूज करते हैं तो कार्ड पे भी आपको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि यार मेरे पास कार्ड नहीं है, मुझे स्मार्टफोन को लेना है, मेरा बजट कम है, मुझे यही वाला स्मार्टफोन चाहिए। तो ऐसे में आपको यहां पर Flipkart स्मार्ट अपग्रेड प्लान का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी मदद से आप इस स्मार्टफोन को 12,698 रुपए की प्राइस पे खरीद सकते हैं। यानी अगर आपका जो बजट है वो कुछ 12,500 रुपए का है तो आप Realme 8S 5G स्मार्टफोन को बिना कार्ड के ही परचेस कर पाएंगे। तो डील अच्छी है, अगर आपको एक साल के अंदर स्मार्टफोन को चेंज करना होता है तो आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों यहीं तक वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।